हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से तेज पकड़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि आने वाले 15 से 20 सालों में हम ह्यूमन का जीवन पूरी तरह से कायापलट होने वाला है। आज सारी दुनिया इंटरनेट के ऊपर अपने काम को लेके जाने में लगी हुई है, क्योंकि हम सभी को पता है इंटरनेट के पावर के बारे में। जैसे कि इसी साल दिवाली तक हमारे मेजर शहरों में, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी, जिसके साथ हम सारे लोग, पूरा इंडिया 5G के दौर में पहुंचा है। और इसी के साथ जियो ने एयर फाइबर भी अपना निकाला है, जिससे आप बहुत ही फास्ट इंटरनेट स्पीड को यूज़ कर पाओगे। लेकिन इससे थोड़ा पास जाते हुए हम आज जानते हैं इंटरनेट के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हो होमस्टे। अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरह के इन्वेंशन के ऊपर वीडियो में हर हफ्ते लेके आता रहता हूँ। इंटरनेट को अगर मैं एक सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये सिर्फ एक माध्यम है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ये पूरे विश्व में वायर और ऑप्टिकल फाइबर के मायाजाल से किसी भी इंफॉर्मेशन को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, तो इसका श्रेय किसी एक या दो लोगों को देने में मेरे ख्याल से इसका नाइंसाफी होगा। अगर हम बात करें इंटरनेट के आविष्कार की किसने किया ये, तो मुख्य रूप से दो लोगों का नाम दिया जाता है, रॉबर्ट कहन और विंटन सिल्फ। इंटरनेट के आविष्कार के लिए आज इन दोनों साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया जाता है। ये सही भी है, क्योंकि इंटरनेट के पहले इन्होंने 1 जनवरी 1983 में सबसे पहले TCP और IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की खोज की थी। इन दोनों ने इंटरनेट के चलने के लिए जरूरी सिस्टम की नींव रखी है। इन्होंने ऐसे सिस्टम को बनाया है जिससे कि एक इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सचेंज किया जा सके। हालांकि हम इस खोज को सिर्फ इंटरनेट के इन्वेंशन की तरफ एक कदम मान सकते हैं। इंटरनेट में ऑप्टिकल केबल्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के जमाने में करोड़ों कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा है इस दुनिया। ये सभी समुद्र में बिछाए गए ऑप्टिकल केबल की मदद से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल और कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको IP एड्रेस क्या होता है उसका पता होना चाहिए। एक IP एड्रेस बिल्कुल आपके घर के एड्रेस की तरह ही है। जैसे कि अगर हमें किसी को कोई लेटर या पार्सल भेजना होता है तो हमें उसके घर का एड्रेस या पिन कोड पता होना चाहिए, ठीक उसी तरह। ठीक वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में भी इंसानों के घर के एड्रेस की तरह सभी कंप्यूटर और मोबाइल फोन की एक अलग IP एड्रेस होती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर और मोबाइल को पता चलता है कि किस इंफॉर्मेशन को किस कंप्यूटर या मोबाइल फोन तक पहुंचना है। और ये सब समुद्र में बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से होता है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में किसी भी इंटरनेट ब्राउजर ऐप को खोलेंगे, जैसे कि क्रोम ब्राउजर। इन ब्राउजर का काम होता है कि हमें चीज़ों को आसान तरीके से देखने के लिए एक इंटरफेस को प्रोवाइड करना। अब मान लीजिए कि आपने हमारे YouTube चैनल को सर्च किया, तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके इंटरनेट प्रोवाइडर के पास रेडियो सिग्नल के माध्यम से टावर द्वारा उनके सर्वर तक जाते हैं। यहाँ पर सर्वर प्रोवाइडर कोई भी मोबाइल सिम ऑपरेटर कंपनी हो सकती है, जैसे कि जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, कोई भी। और अगर आप ये चीज सर्च कर रहे हैं किसी वाईफाई के उपयोग से, तो ये राउटर के जरिए आपके शहर में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा उस कंपनी के सर्वर तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। इसके बाद इन सर्वर से निकलकर, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर समुद्र में बिछाए गए लंबे ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन इंटरनेट के केबलों के माध्यम से हमारी वेबसाइट का डेटा जिस जगह पर सेव है वहां के सर्वर से कनेक्शन बनाएगा, और इसका पता कंप्यूटर या मोबाइल को IP एड्रेस से पता चलता है। इन सर्वरों से माहिती एकत्रित करके वापस उसी रास्ते हमारे सर्विस प्रोवाइडर तक माहिती वापस आती है, और उसके बाद हमारे मोबाइल टावर के मदद से माहिती हमारे मोबाइल या कंप्यूटर तक वापस आती है। हालांकि ये सभी चीज़ें इतनी तेजी से होती है कि हमें इतनी लंबी प्रोसेस का अंदाजा भी नहीं होता। तो कुछ इस तरह से काम करता है इंटरनेट का पूरा इकोसिस्टम। दोस्तों, इंटरनेट के आविष्कार की कहानी थोड़ी सी अनोखी है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट के आविष्कार की नींव सोवियत यूनियन संघ यानी कि USSR और अमेरिका के बीच की कोल्ड वॉर की वजह है। ये बात है 4 अक्टूबर 1957 की है, जब सोवियत संघ यानी कि USSR आज का रशिया ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी।
इसी दिन सोवियत संघ के द्वारा पूरी दुनिया में सबसे पहली बार इंसारो द्वारा बनाई गई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक। दो देशों के बीच में चल रही इस कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रेस में आगे निकलने की ठान ली थी। इसीलिए सन 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वाइट डी आइजनहावर ने उसी समय विज्ञान की दुनिया में तेजी से तरक्की करने के लिए एक नई रिसर्च संस्था की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया था आर्पा, जिसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था, और इसका काम था अलग अलग चीजों में रिसर्च करना। हालांकि इनके कार्य में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो थी दो कंप्यूटर के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने में। इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क की रचना की जाए जिससे कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। इसके बाद इन्होंने कुछ कंपनियों के साथ मिलकर पहली बार चार अलग अलग कमरों में रखे गए कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ दिया, और इससे ही शुरुआत होती है इंटरनेट की। इसी के साथ आर्पा ने दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था जिसमें TCP/IP का उपयोग किया गया, और इसके बाद इसका नाम बदलकर आर्पनेट कर दिया गया। अब शायद आपको ये भी पता होगा कि उस समय पर कंप्यूटर का आकार एक कमरे जितना बड़ा होता था, और ये बहुत ही बड़ी जगह के साथ बहुत ही बड़ा बिजली का हिस्सा भी मांगता था। उसके बाद सन 1972 में जो यह आर्पा संस्था थी उसका नाम बदलकर डार्पा कर लिया गया। हालांकि इसका नाम कई बार बदला गया, और वापस सन 1993 में इसका नाम बदलकर आर्पा रख दिया गया। आज जो हम ये सुपर फास्ट इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका क्रेडिट आर्पा को ही जाता है। इनके इस आविष्कार के बाद सन 1973 में इन्होंने डेटा को ट्रांसफर करने के तरीके को बदलने की सोची, और आखिर में इन्होंने बदला भी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कंप्यूटर कम्युनिकेशन को केबल की जगह पर वायरलेस कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने रेडियो पैकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैसे कि आपको पता है कि हम जिस फोन से हम लोगों से बात करते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी की वजह से शक्य हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिर वायरलेस डेटा ट्रांसफर की शुरुआत हुई। इंटरनेट के बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन को जरूर दबा दें ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंटरनेट का पहला फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में नॉर्वे एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे जेल में कैदियों को इंटरनेट चलाने की अनुमति होती है। ये फैक्ट आपको पता था कि नहीं मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। इंटरनेट का दूसरा फैक्ट ये है कि आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट पर पहली बार खरीदी और बेचे जाने वाली चीज मारिजुआना ड्रग का एक छोटा सा बैग था। इंटरनेट का तीसरा फैक्ट, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ के लोग इंटरनेट को उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देते। इंटरनेट का चौथा फैक्ट, 5 करोड़ लोगों तक रेडियो पहुँचने में लगभग 38 साल लगे थे, और वहीं TV को पहुँचने में 13 साल लगे थे। लेकिन पता है इंटरनेट को पहुँचने में कितने साल लगे 5 करोड़ लोगों तक? सिर्फ 4 साल। 4 साल में 5 करोड़ लोगों तक इंटरनेट पहुँच गया था। इंटरनेट का पांचवा फैक्ट, ब्राजील में इकोसिया नाम का एक सर्च इंजिन है जो अपनी कमाई का 80% पेड लगाने के लिए दान कर देता है। इकोसिया के लिए एक तालियां तो बनती है। इंटरनेट का छठा और आखिरी फैक्ट ये है कि दोस्तों जब बात आती है इंटरनेट की मालिक की तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की एक कहानी याद आती है। दरअसल सन 1998 में बिल गेट्स ने कोशिश की थी इंटरनेट को खरीदने की, और इसके लिए वो कई सारे पैसे देने को तैयार थे, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि आखिरकार इंटरनेट का मालिक कौन है, और ये हकीकत है। तो बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।